आप सबका मेरे और एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आप लोग को चिंतामणि बर्ड सेंचुरी दिखाने की कोशिश करूंगा और वहां की मैं सारी डिटेल्स और टाइमिंग वगैरह सब बताऊंगा आप लोग को ये व्लॉग में। तो मेरे व्लॉग देखते रहिए और आप लोग को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्या है क्या नहीं सब एक्सप्लोर करते हैं साथ में। चलिए फिर यहाँ से ऑटो मिलता है, आप बस भी ले सकते हो ऑटो भी ले सकते हो। तो मैं ऑटो से बैठ के जाऊँगा चिंतामणि बर्ड सेंचुरी। तो गोड़िया से ठीक गोड़िया मेट्रो स्टेशन के पास ही ऑटो स्टैंड, वहाँ से आपको राजपुर कालीतला का ये ऑटो मिल जाएगा। तो फिर चलिए चलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ चिंतामणि बर्ड सेंचुरी की तरफ। तो और यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पे, तो अगर आप लोग ऑटो बैठते हैं तो आप लोग को बोलना है कि राजपुर कालीतला उतारना, तो ऑटो वाला आप लोग को ठीक उतार देगा। वहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पे पैदल आप आ सकते हैं। और अगर आप लोग गोड़िया से आ रहे हैं तब तो ऑटो ले लीजिएगा या फिर बस भी आता है यहाँ डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट आ जाइएगा। और लोकेशन तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो फिर चले बनी रही, आगे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं साथ में कैसा है कैसा नहीं जगह। जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैं सेंचुरी के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ का टिकट प्राइस थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, पता नहीं अभी तो अंदर देखा नहीं हो, फिर भी 120 पर हेड थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे कोई भी टूरिस्ट प्लेस के मुकाबले। तो फिर भी मैं आया हूँ अंदर और घुसते के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप का पूरा पेड़ पौधा से भरा है और बीच बीच बीचों बीच रास्ता है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा कैसा है कैसा नहीं। तो फिर बने रहिए, आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ कैसा है पूरा फॉरेस्ट, साथ में एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कैसा है कैसा है। ये सेंचुरी काफ़ी अच्छा है पर इसके प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये रीज़नेबल है। इसका प्राइस 120 थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, 50-60 होता 80 तक भी होता तो ठीक था, पर 120 थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हाँ बर्ड्स का आवाज़ सुनाई देगा आपको, दिखाई भी दे देगा और रास्ता है सुंदर अच्छा से मेंटेन किया हुआ है, पर फिर भी 120 थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आप यहाँ बस घूम सकते चल सकते, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएगा और थोड़ा सा ऑफ साइड में भी हो जाता है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है इसका प्राइस। पर आप लोग ज़रूर एक बार आके एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सुंदर है बहुत सुंदर अंदर से और अगर एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा फॉरेस्ट घूमने का। ऐसे आसपास कोलकाता का उतना नहीं है, यही एक सेंचुरी है जो पास में, तो आप आ सकते हैं आपको अच्छा फील होगा अच्छा वाइब आएगा। खास करके अकेले मत आइएगा, आइएगा तो जैसे मैं आया क्योंकि पूरा बोर हो जाएगा, तो किसी के साथ अगर आए तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं, और भी अगर कुछ अच्छा दिखता है रास्ते में तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो मैं घूम ही रहा हूँ फिलहाल। ये यहाँ पे कैसी कैसी जगह है, मतलब मैं तो अभी यहाँ जाने का कोई रिस्क ले नहीं सकता, ये पूरा नीचे इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ पर शायद जा सकते नहीं पता, मैं तो अभी जाने का रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ अभी तक, मैं कोई दोस्त भी नहीं मेरे पास साथ जो बचाएगा मुझे,
तो मैं नहीं जा रहा इधर, तो आप लोग अगर आते हैं एक्सप्लोर करने तो आप लोग जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। मतलब आपको थोड़ा सा ढूंढ ढूंढ के निकलना होगा, पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ हर कुछ। और यहाँ भी रास्ता है, देखिए कुछ कुछ रास्ता है जो बना हुआ है पूरा रास्ते जैसा, और कुछ कुछ है ऐसा मतलब इसमें जा सकते कि नहीं पता। अब ये देखिए यहाँ कितना गड्ढा है, ये नीचे आपको शायद कैमरा में नहीं समझ में आ रहा होगा, ये नीचे ऐसे एक गड्ढा है और उधर से एक रास्ता निकल रहा है। तो मैं नहीं जा रहा, नेक्स्ट बार अगर दोस्त लोग के साथ आया तो जाऊँगा। तो मुझे जगह अच्छा लगा, अगर आप लोग दोस्त लोग के साथ आते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने तो अच्छा है ये जगह, आप लोग आके अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, घूम पाएंगे। मतलब ये एक्सप्लोर करने के लिए मेनली, मतलब जिन लोगों को थोड़ा एडवेंचर पसंद है थोड़ा सा, उन लोग के लिए मस्त है। और दोस्त लोग के साथ ही आइएगा मैं तो बोलूँगा, और अगर जितना ज़्यादा दोस्तों को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये वैसा ही जगह है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाला, जंगल वंगल, और यहाँ शांति ही है पूरा, पंछी वंछी का आवाज़ आएगा आप लोग को, तो आप लोग आ सकते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा टिकट प्राइस ज़्यादा है, पर यही है कि कोलकाता में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तो नहीं देखा ऐसा कुछ है कोलकाता में, तो ये थोड़ा सा अलग है शायद इसलिए। तो कोलकाता में एक ही है सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इसीलिए, और सब ज़्यादा दूर है, मेरे करीब तो यही था। फ़ोटोशूट के लिए सच में अच्छा है, नहीं अगर आप सिर्फ फ़ोटोशूट करना चाहते तो अच्छा है, बहुत अच्छा। और अगर आपको जंगल वंगल पसंद है, पेड़ पौधा पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हो। और पंछी वंछी वगैरह भी दिखेगा, मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ, ये सच में यहाँ पंछी है। और यहाँ काफ़ी हलचल है, नहीं पता मुझे तो डर लग रहा है भाई काफ़ी, और पता नहीं सांप वाप है कि नहीं। वहाँ तो पोस्टर में दिया था कोमोडो ड्रैगन वगैरह है, पर मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, पंछी दिखा वो भी मतलब ऐसा कुछ पंछी नहीं, नॉर्मल पंछी ही। तो अच्छा अभी तो अच्छा ही लग रहा है, अकेला हूँ शायद इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप लोग अगर ग्रुप से के साथ आइएगा तो एंजॉय करिएगा, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिएगा। अब आया बात यहाँ का जगह का टाइमिंग का, तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, ये सुबह 6 बजे खुल जाता है और 4:30-4 बजे तक रहता है। तो आप लोग यहाँ 6 बजे आ सकते हो, सुबह आइएगा तो और भी अच्छा लगेगा, धूप नहीं रहेगा, हर टाइम में हर एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो अब जब भी आइए आप लोग को अच्छा ही लगेगा, तो आप सुबह 6 बजे आ सकते हैं और ये 4:30 बजे तक खुला रहता है। और इसका टिकट प्राइस तो आपको बोल ही दिया, 120 है, जैसा कि थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ठीक है, कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको करना है तो ज़रूर आप यहाँ आ सकते हैं। तो ब्लॉग में मैंने आप लोग को ये चिंतामणि बर्ड सेंचुरी घुमाने का कोशिश किया है ये वीडियो के थ्रू, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने आप लोग को ये वीडियो में सारा डिटेल्स दिया है कि कैसे आना है, कहाँ आना है, कहाँ उतरना है, और कितना टिकट का प्राइस है, और टाइमिंग वगैरह सब बताया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।